गाइस आप पे दिवाली उत्सव पे उपेंद्र उपेंद्र जोगी। जोगी हियर। सो आज शायद थोड़ी सी वीडियो लेट आएगी बट या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्ते गाइस, वेलकम टू दिस मोस्ट कंसिस्टेंट यूट्यूब चैनल एवर क्रिएटेड इन द हिस्ट्री। गाइस बहुत समय के बाद मैं जिंदा हो चुका हूँ अगर वीडियो आ रही है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। ये खुशी किस्मत है आप लोगों की। तो ये वीडियो नहीं है, ये पहली बात तो मैं बता दूँ। और ये देखो ऐड आ गया, वीडियो तो चलाई भी नहीं है। तो आज के वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है द डार्क कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बिहाइंड योर फेवरेट गेम। देखते हैं क्या है, लेट्स सी गाइज। अरे इसे हो वीडियो प्ले सून। और यप गाइज, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बड़े समय के बाद वीडियो आ रही है। सॉरी सॉरी, लेकिन भाई मैं सच बता रहा हूँ, बहुत आलसी इंसान हूँ यार मैं। लिटरल मैं वीडियो डालने का मन नहीं करता, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन, नथिंग हैपन इन माई लाइफ, बट मैं आलसी इंसान हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है गाई, जब लेट्स डू दिस। यह GTA 5 में इंटेंशनली सांवले और काले लोगों को नीचा दिखाया जाता है। माइनक्राफ्ट में नल और हीरो ब्राइन कैसे बने, और फ्री फायर का वो डार्क सीक्रेट जिसके बारे में आपको शायद ही कोई भनक भी होगी। तो यार गेम्स को तो हम सभी ने खेला है, और खेले भी क्यों ना भाई, इसे खेलते ही सारा दुख दर्द पीड़ा थकान सब गायब हो जाता है और मिलता है केवल सुकून। और कभी कभार चप्पल भी। आपको पता है कि आपकी फेवरेट गेम्स के साथ जुड़े हैं कुछ ऐसे काले कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो ये गेम वाले हम सबसे ही छुपाते आए हैं। तो यार आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम कुछ पॉपुलर गेम्स के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उनके पीछे छिपे फैक्ट्स को जानने वाले हैं। अभी और वैसे तो GTA के गेम्स की काफी सारी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, पर उसमें से भी एक काफी फेमस थ्योरी है 2015 के आसपास की, काले और गोरों के बीच के डिफरेंस यानी कि रेसिज्म की। यस गाइस, GTA 5 को खेलते हुए कई लोगों ने ये नोटिस किया कि जब वो एज ए फ्रैंकलिन पुलिस के पास जाकर कुछ वियर्ड हरकतें करते हैं तो फिर उनको तुरंत ही अरेस्ट या फिर शूट कर दिया जाता है। वहीं पर माइकल एंड ट्रेवर के साथ ऐसा नहीं होता। अब यार इस थ्योरी के बाहर आने के बाद जब कई गेमर्स एंड यूट्यूबर्स ने इसे टेस्ट किया तो फिर उनमें से मोस्टली ने इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए कि हाँ रॉकस्टार ने जानबूझकर अपने गेम एल्गोरिथम को ऐसा बनाया है, क्योंकि रियल लाइफ में भी लॉस एंजलिस में ब्लैक पीपल के साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। पर अब इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जब इन्हीं थ्योरीज के ऊपर वीडियो बनाने वाले सबसे बड़े यूट्यूब चैनल द गेम थ्योरिस्ट इस डेटा को सबके सामने रखते हैं। इस डेटा को बनाने के लिए भाई बंदे ने सिंपली पूरे ही GTA के पुलिस स्टेशन पर तीनों ही कैरेक्टर्स को ले जाकर अलग अलग वियर्ड चीजें करवाई, एंड भाई एक दो बार नहीं बल्कि 5-5 बार। एंड उसके बाद ये फाइंड आउट किया कि टोटल फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर को वियर्ड हरकतें करने पर पुलिस 23-23 बार पकड़ लेती है। वहीं पर यार वो सेम वियर्ड चीजें करने पर माइकल सिर्फ 16 बार ही अरेस्ट होता है। ओ भाई, मतलब गेम में ट्रेवर ज्यादा अरेस्ट हो रहा है, चलो ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि उसका बिहेवियर बैकग्राउंड एंड लुक ही ऐसा है। बट भाई बेचारा फ्रैंकलिन भाई, अगर कोई इसे दुश्मन भी अच्छे से जान ले तो वो भी बोल पड़ेगा, मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। वैसे यार वो GTA भाई यार स्टॉप बीइंग रेसिस्ट रॉकस्टार गेम्स, व्हाई यू बुली मी, यू फकिंग बिच, व्हाई यू बुली मी, एवरीवन आस्किंग। मैं रिएक्शन करने अपना काम करके निकलते बनता भाई, चलते बनता, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। GTA 5 में तो पुलिस भी ये बोलते हुए पकड़ी गई है कि वो सिर्फ व्हाइट रैपर्स को ही सुनती है। हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब यह होता कि इन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। बिल्कुल सही खेल रहा था तो फिर अचानक उसे फॉग में एक कैरेक्टर दिखता है जो कि दिखने में तो माइनक्राफ्ट का मेन कैरेक्टर स्टीव के तरह ही था, पर उसकी आंखें पूरी व्हाइट थी। ये वो स्क्रीनशॉट है जिसके बाद वो एंटिटी कहीं गायब हो गया। इसके बाद यार ना जाने कितनी ऐसी वायरल फोटोजेज एंड क्लिप्स आने लगी जिसमें कई लोगों ने हीरो ब्राइन को देखने का दावा किया, जिसमें सबसे ज्यादा वायरल हुआ 20 जुलाई 2012 को स्पेस वेफल की वीडियो जिसका टाइटल था I found Hero Brian Minecraft। अब इसी वीडियो में जब एक बच्चा Minecraft खेल रहा होता है तो उसे अचानक से घर के अंदर Hero Brian दिखता है। भाई ये वीडियो लिटरली काफी ही ज्यादा वायरल होती है, एंड भाई आज भी ये YouTube पर Hero Brian के रिलेटेड टॉप वीडियोस में आता है विद वॉपिंग 70 मिलियन व्यूज। वैसे ये कई लोगों का कहना है कि हीरो ब्राइन एक आत्मा है जो कि इस गेम के डेवलपर नॉच के भाई की है जो कि उससे मिलने आती है, क्योंकि माइनक्राफ्ट को सक्सेसफुल करने के लिए नॉच ने अपने भाई की बलि दी थी। पर यारो अगर आप माइनक्राफ्ट के तगड़े फैन हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि नॉच का कोई भाई ही नहीं था, तो भाई वो बलि किसकी देगा। यारो मेरे अकॉर्डिंग ना हीरो ब्राइन नल ये सब माइनक्राफ्ट के वो क्रीपी पास्ताज हैं जो कि इस गेम को ना चाहते हुए भी और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। और भाई पिछली बार कमेंट्स में झकास वीडियोस बताने के लिए बोला तो तुमने क्या ही प्यारे प्यारे वीडियोस बताए यार। धन मैं भट टेक्नो गेमर्स लगभग सभी के वीडियोस देखे थे मैंने। वैसे भाई लोग चलो आज कुछ अलग करते हैं, आज आप लोग अपने फेवरेट यूट्यूबर का नाम कमेंट करो एंड उनकी एक सबसे अच्छी बात बताओ, उन अच्छी चीजों को थोड़ा मैं भी अपनाने की कोशिश करूंगा।
बीस्ट बॉय शब इज माय फेवरेट फेवरेट यूट्यूबर IDK but he is my safe YouTuber. Like बीमारी देता बंदे ने इतनी मेहनत करी है, पर आप भी हमारी वीडियो को लाइक कर दो गाइज, ठीक है? और मुझे लाइक माय वीडियो। और भाई जिस पर सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उन यूट्यूबर पर मैं फ्यूचर में कुछ स्पेशल करूंगा। Free Fire यार, आप सभी ने लॉकडाउन के दिनों में ये गेम तो एक ना एक बार जरूर से खेला होगा, पर क्या आप जानते हो कि इसी गेम में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। पर क्या आप जानते हो कि इसी गेम में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। जरा आप आई डोंट प्ले फ्री फायर, लेकिन दोस्तों को एक क्लिप जरूर भेजूंगा उनकी जलाने के लिए, पता नहीं क्या, लेकिन फिर भी भेजूंगा जरूर मैं गाइस, इतना भेजूंगा जरूर मैं हरामियों को। आई मैं नहीं, मुझे नहीं खेलना होता तब भी जानबूझ के खिलाता मुझे ये गेम फ्री फायर नामक। आप इन आउटफिट्स को ध्यान से देखो, कुछ दिखा? अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये सिंबल्स होते हैं इल्यूमिनाटी के। पर अब सवाल ये है कि इन सभी आउटफिट्स और स्किन्स में ये सिंबल्स प्रेजेंट क्यों हैं? अब यार वैसे इल्यूमिनाटी का रेफरेंस सिर्फ इसी गेम ने नहीं बल्कि GTA जैसे और भी पॉपुलर गेम्स में आपको इजिली मिल जाएगा। पर भाई कई लोगों के अकॉर्डिंग तो फ्री फायर में भर भर के इन सिंबल्स का यूज किया गया है, चाहे वो फिर बरमूडा मैप्स के ट्रीज हो या फिर वॉल्स, कॉस्ट्यूम्स या फिर स्किन्स। अब यहाँ पर माइनक्राफ्ट की तरह बहुत सारे गेमर्स का ये मानना है कि गैरिना कंपनी का इल्यूमिनाटी के साथ रिलेशन है, एंड इसी की वजह से 97% अमेरिकन इसके बारे में जानते भी नहीं, पर फिर भी ये गेम 2021 में वर्ल्ड की मोस्ट डाउनलोडेड गेम बन गई थी। अब यार देखो ये डेटा कहीं ना कहीं सही तो जरूर है, पर यहाँ पर जरा गौर करने वाली बात तो ये भी है कि 2010 के आसपास गरीना ने राइट गेम्स के साथ मिलकर लीग ऑफ लेजेंड जैसे ऑलरेडी मोस्ट पॉपुलर गेम को बना दिया था, तो फिर 2017 में फ्री फायर को बनाते हुए ही उनको इल्यूमिनाटी की जरूरत क्यों पड़ी? अब देखो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। पहला कि हम लोग इस गेम को इल्यूमिनाटी से कुछ ज्यादा ही रिलेट कर रहे हो, हम हर चीज में इसके सिंबल्स को ढूंढ रहे हो। लाइक जैसे 2020 के आसपास फ्री फायर में एक इजिप्शियन पास आया था जिसमें कि ये आई वाला सिंबल था। अब जिन लोगों को इजिप्शियन कल्चर एंड आई ऑफ होरस के बारे में नहीं पता उन्हें तो ये इल्यूमिनाटी की ही आई लगेगी, बट जिनको पता है वो ये बिल्कुल जानते हैं कि ये आई वाला इजिप्शियन सिंबल रेस्टोरेशन, प्रोटेक्शन एंड हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। और फिर दूसरा रीजन ये है कि शायद इल्यूमिनाटी की हाइप को अपने मार्केटिंग में यूज करने के लिए गरीना ने ऐसा जानबूझकर किया हो। सुपर मारियो यार, तुम्हें नहीं लगता कि मारियो दुनिया, प्रिंसेस और पैलेस जैसी चीजों को बचाने के बाद भी ये फुद्दू सी जॉब कर रहा है प्लम्बर की, है ना? भरे यार जब मैंने इसके बारे में जानना शुरू किया तो मुझे पता चला कि असल में ये सिर्फ दिखावे का प्लम्बर है, क्योंकि ये भाई साहब तो मशरूम वर्ल्ड में काफी ही फेमस है। और शायद यही इसकी गलती भी है क्योंकि मारियो का सबसे बड़ा दुश्मन इसी बात से जलता है। ना ना ऐसा मैं नहीं, बल्कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है जिसके हिसाब से वारियो मारियो का कोई दुश्मन नहीं बल्कि मारियो का सबसे बड़ा फैन है जो जलता है उसके फेमस होने के कारण। अब इसको लोग खुद भी नोटिस कर सकते हो कि वो ना जाने क्यों मगर मारियो जैसा आउटफिट पहनता है, एंड इवन इन दोनों के नाम भी काफी सिमिलर हैं। मारियो इज इक्वल टू वारियो जो सिर्फ एम का उल्टा है। और गाइस हो सकता है कि वारियो सिर्फ एक नॉर्मल ओवर ऑब्सेस्ड फैन हो मारियो का जो उसे हराकर पॉपुलर बनना चाहता हो, या फिर मारियो को सिर्फ अपने पास ही रखना चाहता हो। क्या कोई गेम हमारा माइंड कंट्रोल कर सकता है? अब आप शायद बोल सकते हो कि ये कैसी बात हुई भाई। तो गाइस क्या आपको 1980s का वो आर्केड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पता है जिसके अकॉर्डिंग 1970s एंड 80s के दौरान अमेरिका के पोर्टलैंड में एक ऐसे आर्केड गेम को सेटअप किया गया था जो कि इतना एडिक्टिव था कि उसे घंटों घंटों भर लाइन ही नहीं खत्म हुआ करती थी। पर यार पता है मजेदार बात क्या थी? उस आर्केड गेम का कोई नाम ही नहीं था, वो गेम बस एक ब्लैक आर्केड बॉक्स में थी जिसे जब कोई खेलता था तो इतना ज्यादा खेलता था कि उसे इल्यूजन, वोमिटिंग एंड इवन सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते थे। पॉलीबिस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट था जो मे बी एमके अल्ट्रा एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, जो कि पोर्टलैंड के उस आर्केड गेम में सक्सेसफुल भी हो गया था और पोर्टलैंड के बच्चों के बीच ये गेम काफी पॉपुलर भी हो गया था, बट अचानक इसे एक दिन हटा दिया जाता है। बच्चों के अकॉर्डिंग उस गेम में रैंडम नंबर्स, लेटर्स एंड कलर्स हुआ करते थे जिसे खेलने के बाद अक्सर उन्हें वियर्ड विविड ड्रीम्स भी आया करते थे। तो यार अब इतने इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मीम्स तो बनते हैं ना। मी पीसफुली ईटिंग माई लंच, सडनली माई फ्रेंड बकेट कंपनी ट्राइंग टू मेक हुआ भाई है यार, मतलब द मोस्ट ड्यूरेबल बकेट पॉसिबल। Meanwhile, Asian Paints. भाई टेक्निक ही गलत है यार इनकी। Elon Musk made electric cars. Meanwhile, my innovative friend. मेरा स्टीयरिंग का सिस्टम
मैं कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट हो जाएगा तो मैं जल्दी घोड़े बनाऊंगा। और ये देखो पीछे से मैं खटिया का फोर व्हीलर बना रहा हूँ, ये देखो भाई। लेकिन कुछ भी बोलो, ये बंदा हमारे चाइल्डहुड ड्रीम को बना रहा है यार। लगता है गलत टायर पे पी कर दिया भाई, शायद इसी को बोलते हैं खदेर खदेर कर दौड़ाना। तो यार बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो का पिछला पार्ट को देखना है तो आपके लिए है ये वाली वीडियो, और अगर इसे आपने देख लिया है तो भाई फिर आपके लिए है ये वाली फन इंटरेस्टिंग वीडियो। इस वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। और गाइस यार थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आल्सो, लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और लेट मी मेरा कैमरा मर गया क्या? हेलो कैमरा, कैमरा गया मेरा लगा। और हाँ, तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट में बता देना जीटे सैन एंड्रियास खेलो कि नहीं, मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर हाँ मुझे आएगा सही रिस्पॉन्स तो आई विल ऑफ कोर्स प्ले जीटे सैन एंड्रियास। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, बूम।